कनाडा और भारत के बीच में चल रहे विवाद में अब नया मोड़ आया है। कनाडा सरकार ने चंडीगढ़ में अपनी वीजा सेवाएं बंद कर दी है। चंडीगढ़ में कनाडा की एम्बेसी को अस्थायी तौर पर बंद किया गया है। अब पंजाब से कनाडा जाने वाले लोगों को दिल्ली जाकर वीजा लगवाना पड़ेगा। पहले चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों को कनाडा का वीजा चंडीगढ़ में ही मिल जाता था, लेकिन अब उनको दिल्ली जाना पड़ेगा, इसलिए उन्हें बाहर जाने की अब जरूरत पड़ेगी। इस पूरे मसले को लेकर मोगा की जनता से राय ली गई है। आइए सुनवाते हैं उन्होंने इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहा है। देखो जी, दिक्कत यह आ सकती है, एक तो बच्चे के मन के डर पैदा हो गया कि जरा उधरों चंडीगढ़ जोड़ा है वह बंद कर दिता गया। नो डाउट VFS जोड़ा है वह खुला होया, बट फिर भी बंद होने कारण बच्चों के जो दिलो दिमाग से डर है। मैं ये लगता है भी दिक्कत यह आ सकती है कि जो वीजा का प्रोसैस है वह स्लो हो सकता है, क्योंकि अगर जो डिप्लोमैट्स आने पहला की होंगे सी भी वो चंडीगढ़ चले जाते हैं जिते उन्होंने वीजा प्रोसैस होंगे सर, बहुत आसानी आसान आसानी तरीके हो जाता है, बहुत उन्होंने समा ज़्यादा समा नहीं लगता उस चीज़ के, बहुत घट सफर तय करना पैंता स, बहुत जल्दी ही उन्होंने वीजा प्रोसैस हो जाता है। बट जो हूँ इन्होंने पिछे जी की किया कि चंडीगढ़ के जो वीजा एप्लीकेशन सेंटर है वो बंद कर दिए है उत्थे। तो दिक्कतें बच्चों के वीजे स्लो होने लग रही है कि स्लो हो जाएंगे, उन्हें दिक्कतों तो हूँ पता लगनगियाँ जो उन्होंने हूँ बंद किया, कल तो आने वाला टाइम ही दस पाऊगा। पर लग रहा है जो बच्चे तो एजेंट सोच रहे कि उनके प्रोसैस काफ़ी स्लो ना हो जाए। तो बाकी VFS चल रहा, बच्चों की बायोमैट्रिक होंगे रहनगियाँ, फाइल लग रही हैं। हाँ, ऑफिस बंद होने उन्होंने प्रोसैस स्लो हो सकता है।